अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इकामा की एक्सपायरी डेट चेक करने के बारे में। इससे पहले मैं दो वीडियो बनाया था इकामा एक्सपायरी डेट चेक करने के लिए। मैं तीसरा ऑप्शन भी बता रहा हूँ, दो ऑप्शन पहले बता दिया था अफसर के बिना और अफसर से कैसे चेक करें। आज मैं एक एप्लीकेशन द्वारा मैं बताऊँगा कैसे आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल वहाँ पर, ना आपको अरबी की आपको अरबिक ज़रूरत होगी तो अरबी मिल जाएगा, इंग्लिश की ज़रूरत होगी इंग्लिश मिल जाएगा। तो दोस्तों से गुजारिश, वीडियो में बने रहे, मैं आपको पूरी तफसील के साथ बताऊंगा। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपके पहले पहुंच सके, आप उसे देख सकें और लोगों के साथ शेयर भी करें इस वीडियो को। यह बहुत ज़रूरी अहम मालूम है। तो आपको लेकर चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हैं, वीडियो में बने रहे। जैसे कि दोस्तों ये मैं आ गया अपने मोबाइल स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं इकामा चेक ऑनलाइन। ये एप्लीकेशन मैं प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, आप भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये फ्री है। तो ये एप्लीकेशन मैं इसी पे एग्जिट रीएंट्री वीज़ा चेक करके बताया था, तो इसी ऐप से मैं तो आप इकामा चेक करके बताऊँगा आज इसी ऐप से। इससे पहले मैं बहुत बनाया था, तो आपको कुछ क्लिक करेंगे तो इंटरफेस आपको ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लैंग्वेज अपनी चूज़ करना है, कई भाषा इंग्लिश उर्दू अरबी बंगाली, तो मैं आपको इंग्लिश सेलेक्ट करके बताऊँगा। मैं इंग्लिश सेलेक्ट करके आपको पूरा ऑप्शन एक क्लिक में आपको इकामा नंबर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो क्या होगा। तो जैसे देख सकते हैं आप कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो पहले देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना है, दूसरे में इकामा चेक करना है, और राइट में देख सकते हैं ऑल द टाइप वायलेशन भी चेक कर सकते हैं, इसी में नकल कफाला। इस एप्लीकेशन में बहुत सारी मालूम आपको मिल जाएगी, तो मैं आपको इकामा चेक करके बताऊँगा। तो जैसे इकामा चेक करूँगा, क्लिक करूँगा, तो आपको ये क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देंगे तो ये आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ये अरबी सेलेक्ट है, इसको मैं इंग्लिश सेलेक्ट करके बताऊंगा। जैसे ये ऊपर देख सकते हैं इसमें इकामा नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, फिर नीचे इमेज कोड है, जो कैप्चर कोड है वो उसको सेम फिलअप करना होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको ये लैंग्वेज जो अरबी है राइट से है, उसको इंग्लिश करूँगा तो ये लेफ्ट से होगा। तो जैसे मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, ऊपर जो लिखा है अरबी, तो यहाँ पर अरबी जो लिखा है इसको सेलेक्ट कर लूँगा इंग्लिश में। इंग्लिश में सेलेक्ट करने के बाद ये आपको देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये यहाँ पे आपको इकामा नंबर भरना है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद नीचे इमेज कोड है, तो मैं आपको फिलअप करके बताता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है, तो आप चाहे अरबी भर सकते हैं, चाहे इंग्लिश में जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं आपको। यहाँ पे जैसे मैं इमेज कोड भर दिया, डेट ऑफ बर्थ और सब डाल दिया, उसके बाद इमेज कोड डालूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पे ओपन कर दूंगा। नेक्स्ट करूंगा तो ये अदर ऑप्शन पे लेकर चला जाएगा। यहाँ पे पूरा डिटेल आपका मिल जाएगा, आपका नाम क्या, आप डेट ऑफ बर्थ क्या, आप कहाँ से है, सब डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहीं से आप अपनी इकामा एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं। तो मैं जैसे आपको चेक करके बताता हूँ, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इकामा मोबाइल नंबर भी इसी में है, तो मैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं इकामा एक्सपायरी डेट, ये आपको दिख रहा होगा एक मिनट, तो ये देख सकते हैं ये ऊपर जो मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए इकामा एक्सपायरी डेट देख सकते हैं आपको, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट में है अरबी है, राइट में इंग्लिश में है, तो यहाँ पे इंग्लिश वाला चाहिए अरबी वाला चाहिए दोनों ले सकते हैं आपको, यहाँ पे बहुत आसानी है। तो यही आपको इसी वीडियो में यही बताना था, और लोगों से गुजारिश, अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब के लिए इस भाई को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ, आपको इसी नए नए इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लोगों तक शेयर भी करना ना भूलें। अल्लाह सलाम सलाम।